इसमें हम लोग चेक करेंगे डिस्क्राइब यूजर अकाउंट एंड टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इट कंटेंट्स, सिंगल यूजर किस तरह ऐड करेंगे एंड मल्टीपल यूजर ऑल्सो, सेल्स फॉर मोबाइल ऐप क्या होता है, किस तरह हम लोग मोबाइल ऐप का यूज करेंगे, ये सब चीज देखेंगे इस चैप्टर में। तो पहला आता है व्हाट इज यूजर। तो ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं यू आर द एडमिन ऑफ द दिस ऑर्ग, यू कैन यू यू हैव द राइट टू क्रिएट एंड एडिट यूजर, रिसेटिंग पासवर्ड, ग्रांटिंग परमिशन, कंफ्यूम डाटा एक्सेस एंड मच मोर। तो आप ये एडमिन है अपने और का, तो आप ही सारा चीज कर सकते हैं, जो भी परमिशन सेट का यूज कर देना है, ये यूजर को एडिट करना है या क्रिएट करना कोई भी यूजर, तो ऑल द राइट्स है, ऑल द राइट्स यू हैव। तो नेक्स्ट बोलते हैं व्हाट इज यूजर। तो यूजर इज एनी वन हु लॉग्स इन टू द सोर्स पोस्ट और एवरी वन हु आर द एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी, आई राइट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजर और IT स्पेशलिस्ट। तो यूजर्स कोई भी हो सकता है जो आपकी जो कंपनी में काम कर रहे हैं, मे बी हम लोग जिस तरह कि यूज आपके आप ऐड कीजिएगा जिस तरह आपके कंपनी है कोई भी, तो वहां पर आप जो 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 भी सेल्स पोस्ट लॉग इन करेगा, एवरी वन हु लॉग इन द सेल्स पोस्ट, तो आप उसको एज ए यूजर उसको ट्रीट करेंगे। यूजर्स कौन बनाएगा, एडमिन पे एडमिन के पास ऑथोरिटी होता है कि वही एडमिन यूजर बना सकता है और कोई नहीं। अभी जैसे हम लोग और का अपने एडमिन हम लोग और का एडमिन हम लोग खुद है, तो हम लोग अपना अपना यूजर्स बना सकते हैं। तो एवरी यूजर्स इन सेल्स फोर्स हैज इन अकाउंट, एवरी यूजर हैज आइडेंटिटीज एंड डिपेंड ऑफ यूजर विच फीचर्स एंड रिकॉर्ड द एक्सेस। दैट मीन्स के हम लोग जैसे यूजर बनाएंगे लेकिन वो उसका आइडेंटिटी हो गया, तो हम लोग उसको फीचर्स क्या एक्सेस वो कर सकते हैं। जैसे मेनली मे बी सेल्स, हम लोग जो सेल्स वाला बनाए तो सेल्स पर्सन ओनली सेल्स का चीज एक्सेस कर सकता है, वो HR का चीज एक्टिव यूज नहीं कर सकता है कुछ भी, तो HR का कुछ भी वो नहीं देख सकता है। तो हम लोग उस तरह से ही बनाएंगे यूजर, तो वो क्या क्या उसको एक्सेस करना है डिपेंड, और हम लोग वो डिपेंड करेंगे एडमिन पे, वो एडमिन उसको वही वही चीज एक्सेस करने देगा जो उसका यूज का चीज है। सेल्स वाला सेल्स, जैसे HR वाला HR चीज देखेगा, ठीक ना। तो जब हम लोग बनाएंगे यूजर तो इसमें ये पांच चीज आता है। पहला आता है यूजर नेम, तो हम लोग देना होगा यूजर नेम, ईमेल एड्रेस जैसे आप लोग खुद बनाए होंगे अपना, जैसे ही लॉग इन का अपना साइन किए होंगे तो अपना यूजर नेम बनाए होंगे, ईमेल एड्रेस, यूजर फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या होता है, लाइसेंस क्या देना होगा, प्रोफाइल एंड रोल, दैट इज ऑप्शन। रोल ऑप्शनल है, वो दे भी सकते नहीं भी सकते, हम दिखाएंगे अभी करें किस तरह यूजर बनाते आगे। तो व्यू टू व्यू एंड मैनेज दैट यूजर इन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेटअप, चलिए मैं बता दूं किस तरह से हम लोग चेक करते हैं किस तरह यूजर क्रिएट करते हैं। जैसे ये प्रोसेस है, सबसे पहले अपने ऑर्ग में चल जाइए, यहाँ तक तो सबको पता है ऑलरेडी। देन सेटअप्स, इन द क्विक फाइंड बॉक्स राइट देयर यूजर्स, या आ गया, देन क्लिक ऑन दैट। जैसे इतने सारे यूजर्स मैंने मेरा बना हुआ है, आप लोगों को न्यू बनाना है, देन क्लिक ऑन न्यू यूजर्स। देन ये सारा चीज जो बताया मैंने, जो चीज आपको डालना, फर्स्ट नेम यहाँ पर फर्स्ट नेम लेंगे, यहाँ लास्ट नेम, ऐसे सिंपल। ये ऑलरेडी ले लेगा, ये लास्ट पहला लेटर लेता है, देन फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट रिमेनिंग ऑफ द लास्ट नेम। ईमेल एड्रेस ये जरूरी देना है, हाँ। तो यहाँ में क्रिएट वन, देन ये सारा चीज, ये यूजर नेम ऑलरेडी ये ऑटोमेटिक ले लेता है, टाइटल देना दे सकते हैं, इसे ऑप्शनल है। रोल
यहाँ पर देना है, देते तो ऑप्शनल, देन दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। लाइसेंस, हम लोग किस तरह का लाइसेंस देना चाहते हैं, यूजर्स क्या क्या देख सकता है, जैसे चैटर बॉक्स, चैटर के लिए मान लेते तो वो चैटर के लिए यूज करना था, तो ये चैटर फ्री हम लोग यूज कर लेंगे। देन प्रोफाइल, एनी वन चूज वन प्रोफाइल, यहाँ चूज कर लेंगे, देन इसको सेव कर देंगे तो मेरा यूजर्स बन जाएगा, यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक, मैं सेव नहीं कर रहा, आप अपना एक यूजर बना लीजिएगा अपना अपना। अब मान लीजिए किसी को एडिट भी करना चाहिए तो एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ये देयर इज ऑल्सो ए ऑप्शन ऑफ एडिट, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये बना हुआ है एक, यहाँ पर देखिए रोल तो ऑप्शनल है, तो यहाँ पर सेल्स वो प्लेटफॉर्म, ये यूजर लाइसेंस हो गया, ये प्रोफाइल यहाँ से चूज करना है तो वो कर लीजिएगा आप लोग। ये एक्टिव अभी नहीं है इसलिए ये नहीं एक्टिव है, यहाँ एक्टिव पे क्लिक कर दें तो एक्टिव हो जाएगा, जैसे पीछे तो यहाँ ऑप्शन आएगा एक्टिव, तो एक्टिव कर दीजिए तो एक्टिव हो जाएगा वो यूजर्स। देन क्रिएट वन ऑफ राजेश दिस, भैया बोलिए। शेयर किए हुए ना, हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या आपको? जी हाँ, स्क्रीन एक जगह बस रुका हुआ है, व्हाट इज यूजर पे ही दिख रहा है, आगे कुछ नेटवर्क नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम होगा इसलिए हुआ बाकी ऐसा। सब कुछ शो कर रहा है? जी भैया, मे बी आई एम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको। देने पहला ऑप्शन क्रिएट वन और मोर यूजर्स, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आता है, एड मल्टीपल यूजर, एक यूजर के लिए न्यू यूजर बना दे, एक यूजर सिंगल यूजर का हमको चाहिए, एक से ज्यादा यूजर, देट क्लिक ऑन एड मल्टीपल यूजर्स। कर दीजिएगा यहाँ पर यूजर लाइसेंस वहाँ, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम लोग लाइसेंस सबका सेम होना चाहिए, या यूजर रिएक्ट करेंगे तो देखिए, देन यहाँ पर आएगा क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए न्यू एक यूजर, नीचे जाते जाएगा यूजर बढ़ते जाएगा, दो यूजर, एक यूजर देन सेकंड यूजर, यहाँ पर तो दो यूजर आ गया मेरा मल्टीपल यूजर का, ठीक ना? तो इस तरह से हम लोग एक से ज्यादा भी यूजर बना सकते हैं एक ही बार में। रिसेट पासवर्ड सेलेक्टेड यूजर, अब मान लीजिए आप पासवर्ड सेट कर दिए हैं, अब वो रिसेट करने का भी ऑथोरिटी किसके पास रहेगा, वो एडमिन ही कर सकता है। मान लीजिए कोई यूजर अपना पासवर्ड भूल गया होगा तो आपको वो बोलेगा कि मेरा पासवर्ड मैं भूल गया हूँ जो दिए थे, तो आपको मैं आप भी मैं भी भूल गया हूँ, तो आप वहां पर उसको रिसेट कर दिया, रिसेट जैसे हम लोग पिछले बार किए थे, आपके पास क्या जाएगा, जो भी एडमिन का एडमिन है उसके पास उसका मेल पे जाएगा वो पासवर्ड, देन वहां पर लिंक करेंगे, देन वो उसको रिसेट कर सकते हैं हम लोग पासवर्ड। अब यूजर का भी देखना डिटेल्स और यूजर नेम क्या है, तो देन हम लोग यहाँ पर कोई भी यूजर्स को क्लिक कर देंगे तो वो शो करेगा, जैसे इसी का ये यूजर्स का डिटेल्स आ गया, जिससे मैंने इसको क्या प्रोफाइल दिया है, क्या लाइसेंस दिया है, सारा चीज ये डिटेल आ गया इसका, क्या क्या हम लोग दिए हैं इसको। एडिट यूजर डिटेल मैंने बता दिया ऑलरेडी, यूजर डिटेल को भी एडिट कर सकता है मैं, कोई भी आप लोग यूजर का डिटेल भी एडिट कर सकते, लॉग इन एनी यूजर्स इफ एनी सिस्टम परमिशन इनेबल, इफ और इफ द यूजर हैज ग्रांटेड योर सिस्टम एडमिशन लॉग इन एक्सेस, तो आप लॉग इन कर सकते हैं यूजर्स को, अगर वो सिस्टम परमिशन दिया हुआ इनेबल क्या हुआ तो, ठीक ना? देन आता है डिपेंड, ये जो ऊपर वाला पढ़े उसी को डिस्क्राइब किया गया क्या क्या होता है, तो यूजर नेम मल्टीपल दिए, यूजर नेम ईच यूजर हैज बोथ यूजर नेम एंड ईमेल एड्रेस, हर यूजर का एक ईमेल यूजर नेम भी होगा, देन ऑल्सो ये कंसिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेस ऑल्सो, और जो भी आपका यूजर नेम होगा वो कंसिस्ट करेगा आपका ईमेल एड्रेस पे, और जो यूनिक होना चाहिए सेल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं कि कोई एक आपका यूजर बना दिए, आप बना दिए देन आपका वो आप दो एक लॉग इन किए हुए सेम ईमेल आईडी या सेम
आप यूजर नेम पे, तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको हमेशा। एक यूनिक सेल्स फोर्स के ऑर्गेनाइजेशन में यूनिक हमेशा, हमें जहाँ भी हम लोग ईमेल आईडी बनाते तो वो यूनिक ही होना चाहिए, तो उस तरह यूजर भी मेरा यूनिक ही होगा। यूजर लाइसेंस, यूजर लाइसेंस डिटरमाइन करता है कि आप यूजर को कौन सा चीज एक्सेस करने देते हैं। जैसे मैंने बताया सेल्स वाला सेल्स ही चीज को एक्सेस कर सकता है, एचआर का पार्ट एक्सेस नहीं कर सकता। उसी तरह डिपेंड करता है यूजर को कि आप कौन सा चीज एक्सेस करना दे रहे हो, किस तरह का यूजर बना रहे हैं, सेल्स का बना रहे हैं, एचआर वाला का बना रहे हैं, तो डिपेंड करता है एडमिन पे वो किस तरह का एक्सेस देना चाहता है अकॉर्डिंग टू उसका प्लेटफॉर्म में परफॉर्मेंस। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल, यू कैन अलाउ यूजर टू एक्सेस स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स फीचर एंड चैटर विद चैटर। हमको ये दोनों देना है, स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स फीचर भी देना है, चैटर भी देना है। तो हम लोग क्या चूज करेंगे, स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स लाइसेंस, क्योंकि इसमें ये दोनों फीचर मिलेगा। अब मे भी इसको ये कि यूजर जिसको मुझे केवल चैटर चाहिए कि चैटर ही केवल देना है, तो हम लोग उसको जैसे हम लोग यहाँ पर एक चैटर करके ऑप्शन आया था, मैंने दिखाया था आपको, वो वाला ऑप्शन देंगे चैटर फ्री वाला, ये चैटर फ्री लाइसेंस जो मैंने लाइसेंस आपको दिखाया था यहाँ पर। देखिए यहाँ ऑप्शन आएगा लाइसेंस में चैटर पे, तो ये ऑप्शन नहीं के लिए वो चैट चैट के लिए उसको के लिए वो चैट को पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, उसका रिप्लाई करता है, बाकी कोई चीज उसको कुछ नहीं दिखेगा। फिर क्या क्या उसका वो आए, जैसे मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं उसको कोई ऐसा यूजर जो कस्टमर केयर, तो कस्टमर केयर करता है कि क्वेरी देखेगा, हाँ ये प्रॉब्लम आएगा, फिर उसका रिप्लाई करेगा। उस तरह का हम लोग चैटर के वो चैट की कर सकता है, कोई यूज नहीं कर सकता है, तो हम लोग ये लाइसेंस देंगे। तो आप ये एडमिन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा किस किस यूजर्स को कौन सा लाइसेंस दे रहा है। देन आता है प्रोफाइल्स, प्रोफाइल डिटरमाइंस व्हाट यूजर कैन डू इन सेल्सफोर्स। प्रोफाइल डिपेंड करता है कि आप सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं, कि मान लीजिए ये परमिशन सेट पे होता है, परमिशन सेट हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे कि सेट ऑफ परमिशन क्या होता है। बस ये जाना है कि मैं चाहता हूँ कि वो जैसे एचआर वाला है वो के लिए मतलब कितना यूजर सा है, कितना कितना इंटरव्यू देने आया है, उसका डिटेल, उसका सारा बायोडाटा, इन हम जो हम क्या मार्किंग किया, एचआर जो इंटरव्यूअर है वो क्या मार्किंग किया, वो चीज़ दूसरे को नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक परमिशन सेट बनाते हैं कि ये चीज़ के लिए इसी को शो करना चाहिए, बाकी किसी को नहीं शो करना चाहिए। तो इसमें भी आपका हायरार्की होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि हायरार्की में आप लोग पढ़ेंगे कि कौन सा, जैसे आप लोग का प्रिंसिपल है, सारे स्टूडेंट का डिटेल उसके पास रहेगा, टीचर है, कोई आप लोग का एचओडी होंगे, उनको केवल अपना डिपार्टमेंट का ही पूरा चीज़ पता रहेगा। उस तरह हम लोग हायरार्की बनाते हैं कि कौन सा किसको वो एक्सेस कर सकते हैं, क्या चीज़ किस कौन देख सकते हैं, क्या चीज़ कौन नहीं देख सकते हैं, ये सारा डिटेल। तो परमिशन डिटरमाइन करेगा कि व्हाट यूजर कैन डू इन द सेल्स फोर्स। देन रोल्स, रोल्स में व्हाट यूजर्स कैन सी इन द सेल्स फोर्स बेस्ड ऑन वेयर दे लोकेटेड और रोल हायरार्की, जो बताया था रोल हायरार्की, जो आपका भी बता रहे थे रोल हायरार्की में हम लोग वो डिफाइन करेंगे किस तरह रोल हायरार्की उसको दिया जाए, ठीक ना। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके किस तरह ट्री ब्रांचेज होता है, जैसे मैं एक दिखा रहा था आपको यहाँ पर, एक मिनट, देखिए ये रोल आ रहा कि है, जैसे मान लो सबसे ऊपर सीओ है, उसके नीचे ये है, तो सीए क्या सीओ है जो है वो सारा चीज नीचे का जितना है ये सारा चीज का डिटेल वो देख सकता है, ठीक ना। तो इस तरह सीएफओ उसकी ये मतलब ये चीज इसको ये जो देख ये पूरा देखेगा, ये क्या ये के अपने अंडर लिखेगा जो मतलब ये हायरार्की है, आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी ट्री जैसा, इस तरह बाइनरी ट्री बना हुआ है इसमें, उस तरह से ये रोल हायरार्की थ्रू से होगा कि रिक्रूटमेंट क्या देखेगा, जैसे सीओ है सब चीज देख सकता है, कौन किसके अंडर पे आएगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरह रोल हायरार्की हम लोग डिफाइन करते हैं, किस तरह बनाते हैं। नेक्स्ट है ये एलाइज पढ़े कि ये कंटेंट्स करता है फर्स्ट लेटर ऑफ द यूजर नेम एंड लास्ट नेम ऑफ द लेटर, ये हम लोग देख लिए थे यहाँ पर यूजर्स में, आप लोग देखिए। देखिए ये यूजर, देखिए इसको, ये देखिए फर्स्ट लेटर ले लिया इसका, नेन लास्ट वन, ये लास्ट लेटर, ये 5 डिजिट का ही रहता है, इसी को बोल रहा है।
क्या क्या गाइडलाइंस होना चाहिए यूजर ऐड करने चले। तो यूजर नेम, ईच यूजर मस्ट हैव यूजर नेम, सारे यूजर के यूजर नेम मस्ट जो यूनिक होना चाहिए सेल्सफोर्स अकाउंट और सेल्सफोर्स के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। यूजर नेम का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये फॉर्मेट जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस के इससे होना चाहिए, जिस तरह ये एग्जांपल दिया हुआ है इस तरह भी होना चाहिए। बट दे डोंट हैव द यूजर यूज ए रियल ईमेल एड्रेस, आप रियल ईमेल एड्रेस भी यूज नहीं करना चाहिए, बोल रहा है कि यूज नहीं करना चाहिए। दे कैन यूजर यूज देयर ईमेल एड्रेस इफ दे विश टू अलॉन्ग विद देयर ईमेल एड्रेस इज यूनिक अक्रॉस द सेल्सफोर्स। आप ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं लेकिन आपका सेल्सफोर्स के ईमेल वो यूनिक होना चाहिए, देन आप यूज कर सकते हैं। ईमेल यूजर कैन हैव द सेम ईमेल एड्रेस अक्रॉस, और ईमेल एड्रेस हमेशा सेम होना चाहिए आप सेल्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूज कर रहे हैं। देन पासवर्ड, यूजर मस्ट चेंज देयर पासवर्ड द फर्स्ट टाइम दे लॉग इन। इसे आप लोग पहला तो लोग ऑटोमेटिक एक डिफॉल्ट पास बना दिए हैं, देन आप उसको चेंज कर दे पर जैसे लॉग इन कीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन देगा चेंज करने का, तो जनरेट बोला जाता है उसको चेंज कर दीजिए आप अपने कि आपको वो याद रहे इस तरह पासवर्ड बना दीजिए। लॉग इन लिख यूजर, यूजर जैसे आप पास लाइन ये ईमेल आईडी डालिएगा तो एक लॉगिन लिंक जाएगा आपके पास मेल आईडी में, वहां से जाके आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। और वहां से फिर पासवर्ड भी आप सेट कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट हाउ टू यूज ऐड ए यूजर, ये बता ही दिए हैं किस तरह से यूज करते हैं। हम लोग सेटअप में जाएंगे, यूजर में क्लिक करेंगे, मल्टीपल यूजर में हम लोग मैम एड अप 10 यूजर एट ए टाइम बना सकते हैं, ठीक ना। एक बार में मल्टीपल यूज करेंगे तो उसमें मैक्सिमम हम लोग 10 बना सकते हैं। तो उसमें क्या क्या, ये यूजर नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, यूनिक यूजर नेम होना चाहिए, फॉलोड बाई ईमेल एड्रेस, बाई डिफॉल्ट इज ए यूजर नेम इज द सेम एज द ईमेल एड्रेस बट यू कैन ओवरराइड दिस। सेम ही होता लेकिन आप लोग ओवरराइड भी कर सकते हो उसको। लाइसेंस बता दिए कि क्या लाइसेंस को देना है, वो एडमिन पे डिपेंड करता है, प्रोफाइल्स भी उसी हिसाब से होगा, देन प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, जनरेट पासवर्ड, नोटिफाई यूजर बाय पासवर्ड जनरेट कीजिए, और नोटिफाई यूजर जो भी यूजर का बनाया उसका जो ईमेल आईडी दी है तो उसमें वो लिंक चला जाएगा, वहां से वो लॉग इन कर सकता है और वहां से पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, देन क्लिक से उसका सेव कर देंगे हम लोग। देन अब पता है कि हम लोग मोबाइल एक मे बी आप हर टाइम सिस्टम में बैठ नहीं सकते हैं, तो हम लोग एक ऑप्शन देता है मोबाइल पे भी आप सेल्सफोर्स यूज कर सकते हैं। सेल्सफोर्स मोबाइल ऐप में, ये मोबाइल ऐप सेटअप में जाइएगा, सेल्सफोर्स मोबाइल ऐप क्लिक कीजिएगा, देन वहाँ पर आप डाउनलोड कीजिए ओएस में, वहाँ पर जैसे आप लोग ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं सब कोई, वहाँ से भी हम लोग यूज कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू भी। लॉग इन कैसे करना है, जैसे लॉग इन टू सेल्सफोर्स मोबाइल ऐप इज इजी टू एज पर यू नीड टू जस्ट कपल ऑफ द की, ये की मांग यूजर नेम सपोज सीक्रेट पासवर्ड करेक्ट इंस्टेंस। जैसे आप लोग लॉग इन ऑलरेडी करते हैं तो ये ज़्यादा मुझे बताना नहीं है, आप लोग मोबाइल से यूज करते ही हैं किस तरह यूज करना है, साइन इन कर चुके ऑलरेडी। इसी फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे आप लोग तो आपके पास ये एक आएगा जो इंस्टेंस एज अवेलेबल है, कौन कौन सा यूजर्स लॉग इन किया हुआ है, कौन एक्टिव है, कौन सा डीएक्टिव है। जैसे आप लोग बनाएंगे एक से ज्यादा यूजर यूज कीजिएगा तो वहां पर आप लोग ये जैसे ही और लॉग इन कीजिएगा देन आपको शो करेगा कि कौन सा यूजर लॉग इन किया है, कब एक्सेस किया है, सब चीज 24 आवर्स का पूरा चीज शो करेगा। अब फ्री जे यूजर फ्रॉम एनीवेयर, अब मान लीजिए मुझे चाहिए कि ऐसा मतलब कि कोई ऐसा है जो मतलब मे बी चाह रहे कि आप वो छेड़खानी नहीं करें, आप उसको फ्रीज कर दीजिए कि वो कुछ भी करे, वो आपके आप में भी अभी यूजर कोई है वो कुछ कर रहा है, बस कुछ कुछ चेंजिंग कर रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आप चीज देखे लेकिन आप कहीं बिजी है, देन उसको फ्रीज कर देंगे। जैसे फिर आप आइएगा फ्रीज कीजिएगा, देन आप देख सकते हैं कि वो क्या क्या यूज क्या क्या चेंज कर रहा था, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमें भी आपके एब्सेंस में कोई चीज कोई नहीं कर सके, ठीक ना। तो और किन्हों कुछ पूछना इसमें, किन्हों को कुछ पूछना है क्या?
समझ में आया सबको?